can't take control. I took too much, locked myself in a room, just my sins and myself, yeah. It's getting hard, and I think देख रहे भाई सामने हिमालय, वहां देखो भाई पूरा स्नो से कवर है हिमालय, बहुत ही सुंदर। आपको गोप्रो से शायद नहीं दिख रहा होगा, वहां चाहिए 70-200। ठंड हमें फील हो रही है एकदम, मुझे पंचाचोली वाली फील आ रही है, मुंशियारी। धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं उसी बर्फ के पास, और वहाँ अभी सनसेट हुआ नहीं है, यहाँ हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत देखने को लग रहा है, क्या ही बोला जाए। ठंडी ठंडी हवा, ताज़ी ताज़ी एकदम ऋतुज के गाने सुनने के लिए, पर इस ट्रिप में अभी तक मैंने एक भी ऋतुज के गाने ही नहीं सुने, बस स्टोरी में लगा है। चलो अब हमारे ध्रुव भाई गा के सुनाएंगे। अर्ज किया है गाओ। ठंडी हवा जब है आई तो जान क्या। तो अभी ऐसा कुछ सीन हो गया है, रात के बज रहे हैं 7 और डरने की क्या बात। यहाँ पे हाईवे ब्लॉक हो रखा है कार्स का, और केदारनाथ वाला ही ये रूट है, सब परेशान। बाइक वाले आ रहे हैं, ये मस्त चीज़ है। तभी देखते हैं आखिर ऐसा जाम लगा क्यों है। भाई साहब इतना लंबा जाम लगा ना, आप लोग को क्या बताऊं, कम से कम 3 मिनट से ज़्यादा हो गए कंटिन्यू हम चला रहे हैं बाइक, और जाम लगा है। लोग कर क्या रहे हैं। हाँ दुकान चल गई भाई की आज, छप ना ना भाई खाई है, मैं नहीं जा रहा। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ने ये क्लियर कर दिया है रास्ता, केदारनाथ 54। कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? नहीं 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 कुछ नहीं है यहाँ। सब उधर जा रहे हैं भाई, ओ डैम है भाई लेफ्ट साइड में। ऑलराइट गाइस, तो आप ये डैम देख रहे हो कितना खूबसूरत, वाव। रात में पानी सर 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 सर। पर यहाँ 3 गेट है, हमारे जबलपुर में 21 गेट है, MP इज़ लार्जेस्ट। रात के बज गए हैं 8 और पहाड़ के नीचे हमें, और वहाँ सिटी लाइट्स देख रहे हो, वहाँ हमें जाना है, और वहाँ उसके भी पार ही जाना है शायद। लगभग 50 किलोमीटर है, मान के चलो 1 घंटा। चलो यार स्ट्रीट लाइट तो आई, कुछ तो आया, कुछ तो लोग रहते हैं कम से कम। अब भगाते हुए मत भगाना क्या, अब तो वाट लगेगी, फुल नाइट यही सब बकैती है। खड़े हो जा भाई, खड़े हो के निकाला कर ट्रेल। फंसे फंसे फंसे, वाह। और ये हमने किया वाटर क्रॉसिंग, नहीं आवाज उसकी झेंगुर की भाई, बहुत खतरनाक ट्रिप है ये, खतरनाक। भाई नाइट पे राइड हमारी चालू है, और अभी 8:11 बज चुके हैं, 8:12, और चोपटा जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हम पहुंच जाएंगे लगभग 20 किलोमीटर के बाद, जो कि आप पहाड़ का पूरा जिगजैग देख रहे हो, तो इसको मान के चलो 20 किलोमीटर हमको 45 से 50 मिनट लग सकता है। एंड पहुंच जाए 9:30 बजे, फिर देखते हैं स्टे का क्या कैसा सीन है, क्योंकि वहाँ सब ऑर्गेनाइज तो हमने रखा है, बट
आज संडे भी है और वीकेंड्स भी चल रहे हैं, तो शायद बुकिंग होगी टेंट में सोए या रूम मिलेगा पता नहीं। तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं आज के व्लॉग में भी आप सबको। हाँ भाई क्या ही बोले। हाँ थैंक यू सो मच भाई, वैगनार पलट जाओगे उतना भी उस साइड मत जाओ। हाँ अरे भोसड़ी हमारा, ये अच्छा किया भाई इनने रोडों पे ये लगा दिया रेडियम रिफ्लेक्टर्स, नहीं तो सीधे ही निकल जाते हैं। देखना हल्का हल्का रास्ता, कंकड़ पत्थर हैं बीच बीच में। स्लो ही चलाओ भाई। आ रहा हूँ मैं दोस्ते, आ रहा हूँ मैं अगर ले आ। अभी अकेला होता तो दो भाई की तो गांड फटी होती क्यों। हाँ यस देखो बजरी बजरी बजरी, वाटर क्रॉसिंग सेंटर पे रहो, आराम से आना। कि सुनसान रात में रोडों पे मैं पिपॉय करेगा पर्दों का फासला। तो यहाँ एकदम सुनसान रात में जहाँ कोई ना आने वाला ना जाने वाला, जाने वाले सिर्फ हम दो हैं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। लगभग 40 मिनट और ऐसे ही चलना है क्योंकि स्पीड तो हम कर नहीं पा रहे हैं। बाकी हमने अभी एक जगह रुक के चाय बिस्किट और एक मैगी खा लिया था सुबह से, जब से निकले थे बंटी भाई के यहाँ से, तो सिर्फ नाश्ता करके निकले थे और थोड़ा शूट वूट करते हुए थोड़ा टाइम लग गया। हम सोचे थे कि 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो अभी 6 से 9 बज जाएगा, 3 घंटे, लेकिन ठीक है वर्थ इट है। ये वाला भी एक्सपीरियंस नाइट राइड का मस्त है। उत्तराखंड के लोग सपोर्टिव तो हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट अपना सेफ्टी अपने हाथ पे रखें, आप रात में राइड ना करें। मैं तो कहूँगा 8 बजे के बाद अगर आप राइड कर रहे हैं तो 8 बजे के बाद नहीं करिए, 8 बजे के बाद कहीं भी आराम से रेस्ट कर लीजिए, सुबह निकल जाइए। फिर 8 बजे के बाद थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ये द हिमालय जगपुरा नहीं, पर वो कैम के नाम बता रहा था यार। देखो मैं आप लोग को गाइस एक चीज़ दिखा देता हूँ, पावर ऑफ दिस माइनस हेडलाइट। इसका सीन कुछ ऐसा है, ऐसी देखो लाइट दिख रही है। ओहो भाई साहब बिना लाइट के तो यहाँ मौत ही हो जाए। घबराहट में, घबराहट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट वी से घबराहट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में कहेंगे मौत। एक और लाइट आई, ए भाई भाई साहब आप लोग देख रहे हो कैसा क्या सीन है, एकदम डेडली वाला, क्या ही बोला जाए। बस चल रहे हैं ध्रुव भाई के आदेश में, वो बचा लेंगे हमको। अरे व्लॉग कर रहा हूँ ध्रुव, ध्रुव भाई बचा लेंगे हमको कुछ होगा तो। बाकी क्या और क्या, बाकी क्या, बाकी सब तो बढ़िया है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं चोपता और ये बेस कैंप है, और जहां अभी हम लोग लगभग 9:30 बजे पहुंच गए थे, 9:30 से नहीं 9:45 बजे लगभग पहुंच गए थे। और बेस कैंप से हमने लगभग 400 मीटर और आए हैं ट्रैक करके, तो यहाँ पे हमको एक कैंप मिला है। तो कैंप में आज हमारी रात कटने वाली है, और भाई जो सामने का सुबह का व्यू रहेगा ना वो बहुत खतरनाक रहेगा, क्योंकि हमारे पीछे वहाँ देख रहे हो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ पे लमसम पूरे हिमालय हैं बर्फ से ढका हुआ। और सुबह हम चोपता टॉप के लिए निकलेंगे, मंदिर के लिए टॉप के लिए निकलेंगे, जो कि 4-3.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा और मंदिर का, और उसके ऊपर और जाना है तो लगभग वही मान के चलो 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा पूरा हमारा, मेरा और ध्रुव का। और एक नया सरप्राइज हमारा अभी एक ट्रिप प्लान हुई है, जो कि है आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा, जो हम चोपता वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ तो रिवील करने वाले हैं। बाकी क्या, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी मज़ा आया ट्रैक राइड करके, देख रहे हो लो लाइट कंडीशन, मतलब रात में एकदम फटे हुए जंगलों के बीच से मैं और ध्रुव भाई फुल मज़े करते हुए। टेंट देख सकते हो, टेंट बहुत खूबसूरत है, हमारे आनंद भाई करके हैं यहाँ चोपता में, मैं उनका फ़ोन नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आपको बहुत ही अच्छी सर्विस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमको किचन भी है, खाना पीना यहाँ हो जाएगा, पूरे कैंप 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 है हर जगह
और रहने के लिए तो देख रहे हो भाई, मैं ये देखो अंदर इतना अच्छा आइसोलेटेड कैंप है, दो बिस्तर वहाँ, एक बिस्तर यहाँ, एक बिस्तर यहाँ, यहीं से वॉशरूम भी है और मतलब कंबल अम्बल सोने की फुल व्यवस्था है, तो मतलब और क्या चाहिए, काफ़ी मज़े आ गए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो, अगर वीडियो आपको देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। और आने वाले हो तो भाई ठंडे कपड़े लेके आना, और बाकी है बाकी सब। अभी चोपटा का जो सीज़न है एक्चुअल वो नवंबर के बाद से है जब बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन अभी भी व्यू बहुत ही कातिल आना है। तो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, सो दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।